SRM टुडे शहर की आवाज। पूरे देश की तरह मंदसौर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा CPA एक्ट लागू करने को लेकर सभी डॉक्टर्स एवं चिकित्सकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की, जिसके चलते सभी हॉस्पिटल व चिकित्सकीय सेवाएं बंद रही, जिसको लेकर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मंदसौर जिला चिकित्सालय के बाहर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रही ये लोग, दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य एवं डॉक्टर्स व चिकित्सक है, जो CPA एक्ट लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते केवल इमरजेंसी सुविधा को छोड़कर सभी अस्पताल एवं चिकित्सकीय सेवाएं बंद रही, जिसके चलते कलेक्टर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इसके लिए पता नहीं, हम लोगों को लगता है कि हम इतने सेवा का काम करते हैं और हमारे नहीं, कुछ हमारी परेशानी होते हुए भी हम लोगों के विरोध में इतनी सब चीजें हो जाती है। मैं दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि वी वॉन्ट जस्टिस और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वी वॉन्ट जस्टिस, CPA लागू हो, CPA लागू हो, CPA लागू हो। एक बार पुनः, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं डॉक्टर चिराग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि साथियों, लंबा अरसा हो गया इस तरह की हिंसा को सहते हुए। भारत में आज 3.5 लाख चिकित्सक आज कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके क्लिनिक्स की एवं समस्त सेवाएं आज उपलब्ध नहीं होगी। उसके पीछे मूल कारण यह है कि डॉक्टरों के साथ एक हिंसात्मक कार्रवाई की जा रही है। आप सब लोगों को विदित है कि डॉक्टर अपनी समस्त ऊर्जा मरीज को ठीक करने में लगाता है, कभी मरीज को डॉक्टर के साथ यह अन्याय किस तरह का कि आप हिंसक होकर डॉक्टर के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं। हमारे एक डॉक्टर के ऊपर हेड इंजरी हुई, उसकी ग्रेनेटॉमी है। उन लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि वे इस बात के लिए जरूर जो है हमारे साथ हो कि जिस तरह का अन्याय डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो नहीं हो, और इस तरह से चिकित्सकों को चीज़ों को पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ 3-4 सालों से हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी हिंसात्मक कार्यवाही जनता द्वारा की जा रही है। मीडिया में भी कई बार कई हमारे देश के नामी लोग, नाम तो मैं नहीं लूंगी, आप लोगों को भी याद होगा कि डॉक्टर्स के विरुद्ध में केमिस्ट एसोसिएशन भी हमारे साथ है और दूसरे जितने भी चिकित्सा जुड़े से जितने भी लोग हैं, केमिस्ट एसोसिएशन भी हमारे साथ है, क्योंकि ये हम सब लोगों की एक सामूहिक लड़ाई है जिसमें हम लोग सब साथ लेके चलेंगे। और ये जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं हो, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि लगातार डॉक्टरों के साथ अप्रिय घटनाएं घटित हो रही है। हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है, जबकि डॉक्टर दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी आज डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर यह एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर CPA एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। CPA लागू हो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बहुत ही गलत मैसेज गया और जनता हमारे बारे में ना जाने क्यों गलत गलत सोचने लगे। हम लोगों की हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम लोग सेवा का कार्य करें, जो भी मरीज आता है हम दिल से तन मन धन से उसकी पूरी सेवा करें, लेकिन हम लोग भगवान नहीं है। आप ये बताइए कि अगर डॉक्टर्स के माँ और क्या दादा दादी सभी आज तक जीवित है, परदादी आज तक जीवित है, परदादा आज तक जीवित है, नहीं, एक समय के बाद सबको मृत्यु आती है और ये एक स्वाभाविक चीज है। हमारे देश में आज बंगाल में जो प्रतिभा मुखर्जी के विरुद्ध में जो हिंसात्मक कार्यवाही हुई, हम लोग बहुत दुखी है, हमारा मन व्यथित है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।
दुख होता है जब हम लोगों के ऊपर अत्याचार, मारपीट और दबाव डाला जाता है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दें कि जिस दिन से हम लोग मेडिकल में एंट्री लेते हैं उस दिन से हम अपना घर परिवार सब त्याग देते हैं। 15 साल पढ़ाई के और उसके बाद पूरा जीवन, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कोई समय नहीं देखते, आपको अपने परिवार, अपने भाई, अपने माँ की तरह ट्रीट करते हैं। कोई डॉक्टर कभी भी किसी के लिए भी गलत उपचार कभी नहीं लिखता, कभी नहीं। भूल गलती होना मानव स्वभाव है, हम भी मानव हैं। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझें कि डॉक्टर एक परिवार का हिस्सा है। समाज के जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, मैं आज मीडिया के जरिए, आप सबके जरिए उन लोगों पर एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई घटना होती है, प्रभावित होने का बड़ा अंदेशा था, आपने जिला अस्पताल पहुंचा है, क्या आप इस बेटे के मसाले में उसके रेफरेंस में हम लोगों ने कल रात में बैठक भी की थी और CMSO और सिविल सर्जन और जिले के जितने हॉस्पिटल थे उनके जो DMOs हैं उनसे बात हुई। आज सुबह सारे रेवेन्यू ऑफिसर भी संबंधित हॉस्पिटल्स में गए थे और अपने ज़िले में लगभग सभी जगह OPD नॉर्मल चल रही है। जिला अस्पताल हम खुद देखने आए थे, यहाँ भी रोज की तरह सुचारू ढंग से स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही है। और आपने 2 बार विजिट भी कर ली, तो इसको लेकर क्या लगता है सर? हम लोग अभी इसके संबंध में जो विभिन्न योजनाओं की बातें हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो जिला अस्पताल में आवश्यकताएँ हैं उसको लेकर के आने वाले दिनों में बैठेंगे, फिर स्पेसिफिक योजनावार या किसी अभियान के बारे में बात कर पाएंगे। आज हमने केवल इमरजेंसी सेवाओं का अवलोकन किया है कि जो स्ट्राइक ऑल इंडिया लेवल पर है उससे रिलेटेड हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को कोई असर नहीं पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग हड़ताल कर, कहीं भी सबको खबर दी गई है, CMHO और CS और एडिशनल कलेक्टर इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा की तो वो सरकारी तरीके से दी जाएगी, चाहे वो मरीज कहीं भी भर्ती हो। तो स्वास्थ्य की सेवाओं को किसी भी तरीके से कहीं भी ब्रेक नहीं होने दिया जाएगा। शायद पहली बार आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज IMA जो कि हमारी एक नेशनल ब्रांच है, उसके हम लोग भारत के अंदर लगभग 3.5 लाख सदस्य हैं। उसके नेशनल आह्वान पर जो हमारे एक साथी के साथ कलकत्ता में मिसबिहेव हुआ है, उसी की परिणति के रूप में पूरे भारत के डॉक्टर्स, OPDs आज एक्सरे, सोनोग्राफी इत्यादि समस्त सुविधाएं बंद हैं, मात्र एक इमरजेंसी सेवाएं हमारे द्वारा दी जा रही है। एक 85 साल, 90 साल, एक मृत्यु एक जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु अक्सर होगी ही, इसको कोई इंसान नहीं रोक सकता। 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल, कितने साल आदमी का जीवन है। हम लोग समस्त आज मरीज की सेवा शुश्रूषा करके 24 घंटे तक मरीज की सेवाओं में लगे रहते हैं और आज हमारे साथ ये अन्याय होता है और हमारे साथ कोई आता नहीं है, ना कोई राजनेता आता है, ना कोई पत्रकार आता है, ना कोई समाज का कोई वर्ग आज हमारा साथ देने के लिए आता है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी पॉजिटिविटी ज़रूर बताएँ, हमारी नेगेटिविटी भी बताएं कि हम में क्या कमियां हैं, हमारी कमियों को हम दूर करेंगे, पर हमारे जीवन का समस्त चीज़, हमारे जीवन का सब कुछ निशावर हम लोगों ने मरीजों के उस पर कर दिया। रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, रात को 4 बजे हो, और दिन भर पूरा समय हम मरीजों की सेवा शुश्रूषा करते रहते हैं। अपना परिवार हमने खो दिया, हम अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पाते, बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते, हमारे किसी भी हमारे जीवन के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मरीज हमारी परम सेवा है। आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये इस तरह की पुनरावृत्तियाँ ना हो जो हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ हो रही है, कि उसके साथ मारपीट हो रही है, और मंदसौर में भी ऐसा कई बार हुआ है, हमारा कोई साथ नहीं देता, और अल्टीमेटली यहाँ हम लोग एक दिन की स्ट्राइक पे जाते हैं, अल्टीमेटली पॉलिटिशियन आता है और मॉब को साथ लेके और कह देता है कि यार ये केस विड्रॉ कर लो, और हमारे साथ ही अंडर प्रेशर ये काम करते हैं। मेरी आप गुजारिश यही है कि हर समय आप हमारा भी साथ दें, अच्छी बात के लिए साथ दें। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे आप अगेंस्ट में बोलें, हम लोग हर समय आप सदा आपके साथ उपलब्ध हैं, रहेंगे, ऐसी मेरी कामना। मंदसौर के डॉक्टर्स और सारे चिकित्सक, आज हम लोग एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल हम लोगों ने हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव और उनके आह्वान पर किए हैं। इस हड़ताल में मेनली हम लोगों का ये कहना है कि हम लोगों के चिकित्सकों के विरुद्ध जो अत्याचार और जो वायलेंस हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग सभी हड़ताल पर हैं और हमारी मांग सभी ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक अच्छी तरीके से लागू किया जाए और इसमें ये प्रावधान हो कि जो लोग हमारे विरोध में ऐसी हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उन्हें नॉन वेलेबल ऑफेंस
इसका किया जाए और आज मंदसौर के सारे हॉस्पिटल्स, सारे क्लिनिक्स, सारे नर्सिंग होम्स और सारी एक्सरे मशीन्स और सारी यूएसजी मशीन्स, सभी लोग हम लोग हड़ताल पे हैं। और आज हम लोग के इस हड़ताल में डेंटल एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन और जितने भी हमारे दूसरे चिकित्सक हैं, सभी आज हड़ताल पे हैं। और ये पूरे देश में ये हड़ताल आज रखी गई है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए और हम लोगों को सबका विश्वास और हम लोगों का आशीर्वाद सबका इस बारे में चाहिए। हम लोगों ने, चूँकि ये हम लोगों का एक मानवीय पहलू है, तो हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिविल हॉस्पिटल तक ही केंद्रित हैं और हम लोग चाहेंगे, और सिविल हॉस्पिटल के हमारे साथी भी हमारे इस IMA के हमारे मेंबर्स हैं और वो भी इस हड़ताल में हमारे साथ हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हम लोग यहां पे दे रहे हैं। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।